हो गए ज्वाइन? यस इधर देखो आप, ये जो एक्सेलरेशन है, जो बॉडी जैसे ये रोटेशनल मोशन यहाँ पर हो रहा है, या ये बॉडी सर्कुलर मोशन, ये वाला जो पार्टिकल है मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यही बोला है ना इन्होंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम। तो रिम पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है, पूरी बॉडी तो रोटेशनल मोशन कर रही है और ये पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन तो होती है टूवर्ड्स द सेंटर, यानी टोटल बात ये है कि एक एक्सेलरेशन तो होती है रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक एक्सेलरेशन होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हो गए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो आप यहाँ देखो, ये दिख रहा है रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 90 डिग्री पर डिग्रीज है कि पर। नहीं है? 90 डिग्री पर है ना। तो अगर इनका यस रिजल्टेंट, अगर इनका रिजल्टेंट निकालना हो अपन को, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा, यस ये सर, वाला हो वेक्टर, जाएगा। ये ए वेक्टर रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो ये आपको सिखाया था ना, ये कंपोनेंट है एक दूसरे से यस सर, 90 डिग्री सिखाया पर था। है, तो क्या आएगा, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर। याद आया नहीं आया भाई? याद आ गया सर, ये है ना सब याद मतलब, है। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला है। अभी हमको करना क्या है, टेंजेंशियल है, तो ये ध्यान रखना कि ये पूरा जो फ्लाई व्हील है, रिजिड बॉडी है, और ये पूरा फ्लाई व्हील क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस फ्लाई व्हील के कोई पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, पर इस केस में नहीं है। तो इस केस में दो है एक्सेलरेशन उसके पास, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और एक रेडियल एक्सेलरेशन है। तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको टेंजेंशियल निकालनी है, तो टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ए टी इज इक्वल टू एल्फा आर, जो कि आपको पता रखा है मैंने, ए इज इक्वल टू एल्फा आर। तो एल्फा आपको दिया हुआ है 60, जो कि ऑलरेडी रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर में है। रेडियस आपको दे रखी है 0.20। तो इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, 12 आ रहा है, 12 12 आ रहा है, यूनिट भी बोला करो, है ना, मीटर अपॉन सेकेंड सेकंड स्क्वायर, ठीक स्क्वायर। है। ये बात हो गई। अब ये तो आपने निकाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब आपको निकालना है क्या, निकालना है रेडियल रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्सीलरेशन क्या आता है, सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आता है आपको, क्या होता है, ये सर, हाफ हेलो, एम कुछ ऐसा ही था। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है एम वी स्क्वायर बाय आर, या होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसमें ये जो वैल्यू है वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ये दोनों ही क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि तो ये जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो रेडियल डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। जो ये सेंटीपिटल फोर्स होता है ना, ये टूवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक यस सर। है। तो क्या हम ओमेगा निकाल सकते हैं, सर ओमेगा स्क्वायर आर होगा क्या, ओमेगा आर होगा, ओमेगा स्क्वायर वी होगा। की वैल्यू ओमेगा आर रख दो ना, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, आर से आर कट जाएगा एक बार, तो ओमेगा स्क्वायर आर ही तो बचेगा, ये बी ठीक है। स्क्वायर बाय आर कहाँ से आया? इसमें ओमेगा ऐसे निकालेंगे ना कि पहले अपन वेलोसिटी निकालेंगे, लीनियर नहीं, वेलोसिटी, इधर देखो आप, आपको देखो लीनियर लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 0, 0 रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है, 60 रेडियन अपॉन सेकंड दिया हुआ है। आपको टाइम दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 0.15 सेकंड दिया हुआ है। तो आप ओमेगा नहीं निकाल सकते, टी टाइम में कितना हो जाएगा, कौन सी निकाल इक्वेशन सकते हैं, लगेगी, कौन सी v is इक्वेशन equals to u plus लगेगी, at। वी सर v इक्वल्स is टू equals to प्लस u plus एटी, at। हाँ, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी से क्या लिख दो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको सर क्या आ जाएगा, ये रख दो, ओमेगा नॉट कितना है आपका, 0, एल्फा 9 आ कितना है रहा है, आपका, 60, और टाइम कितना है, 0.15। तो इसको सॉल्व करके ओमेगा 9 आ निकाल रहा लो, है, कितना आ रहा है ओमेगा, 9 आ रहा है सर। 9 रेडियन पर सेकंड, सर 9 मेरे को रेडियन पर चीज सेकंड। समझ में नहीं आई सर, क्या बोलो, ये जो आपने मतलब एंगुलर, ये रेडियल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाय आर कैसे लिखा सर आपने? अब ये तो यार सर्कुलर मोशन जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था, वहां से लिखा हुआ फॉर्मूला ही है।
सर्कुलर मोशन वाला जो चैप्टर था ना, यस सर, वहां से आपने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया तो एक बार yes, हाँ तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रख लो, डेरिवेशन तो वैसे भी इसकी नहीं है आपके, ठीक है, डेरिवेशन सर, तो वैसे तो भी नहीं है। ओमेगा कैसे निकाला, ये जीरो रेडियन और ये ओमेगा का फॉर्मूला तो वो मतलब अल्फा बाय आर होता है ना? नहीं वो आपको डेटा क्या दिया हुआ उससे निकलता है, आपको ये देखो ये इक्वेशन लगाते हो आप v इक्वल टू u प्लस at लीनियर yes, में yes, तो sir. यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन और टाइम। अब यहाँ देखो आपको ये रोटेशनल मोशन है, तो इस रोटेशनल मोशन में आपको इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो दे रखा है ना, ये देखो यहाँ yes, पर क्वेश्चन में yes. तो यानी कि यहाँ पर जो u होता था वो यहाँ पर क्या ओमेगा नॉट है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, फिर एक्सेलरेशन आपको 60 दे रखा है, ये 60 हो गया, टाइम आपको दे रखा है 0.15 का टाइम एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर मतलब अल्फा आर होगा ना? क्या बोल रहे हो सर? वहाँ पर इक्वेशन में लीनियर एक्सेलरेशन यूज हुआ है, तो अपन जो इक्वेशन बनाएंगे सर्कल के लिए तो उसमें अल्फा आर लिखेंगे ना? वो तो अभी सॉल्व करेंगे, पहले ओमेगा तो निकालो, आप ओमेगा आ गया ना आपके पास, इसमें यस वैल्यू सर। रख दो, ये रेडियल आपका एम क्या है, आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, उनको यहाँ पर रख के टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है, आपका एम ये है, इससे इधर उधर मत सोचो, आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है और उससे आपका टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा आर होता है, यह आपने लगा दिया और ये निकाला, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अब आर तो रेडियस है, रेडियस आपको दे रखी है, आपको ओनली निकालना ओमेगा। ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, या जब टाइम 0.15 सेकंड होगा तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे यहाँ फाइनल वेलोसिटी होती थी ना वी, ऐसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ वी होता था तो इधर क्या ओमेगा, या यू होता था तो क्या ओमेगा नॉट ए की जगह अल्फा और टी, तो इस तरह से ये इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर, है ना? हाँ सर, चिन्ना पर आया एक समझ में डाउट कुछ? है हाँ सर, अपन ने मतलब लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है अल्फा आर, तो फिर अपन इस नहीं इक्वेशन में उसको डायरेक्ट अल्फा क्यों लिख रहे हैं, अल्फा आर क्यों नहीं लिख रहे हैं? कहाँ पर अल्फा, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ही तो दी हुई है आपको, कौन से किसकी बात कर रहे हो आप? सर अपन ने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, हाँ सर ठीक तो है। लीनियर एक्सेलरेशन के का फॉर्मूला होता अरे है भाई अल्फा आर। सिंबल ये सिर्फ याद करने के लिए है, सिंबल रिप्लेस कर रहे हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से, यहाँ पर ये लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से, और टाइम को करते हैं टी से, ये कर रहे हैं, कोई फॉर्मूले थोड़ी रख रहे हैं अपन, ये तो एनालोगस, एनालोगस समझते हो, समानता कि ये इनकी या सिमिलरिटी है कि अगर ये है आप इसके सिंबल इससे चेंज कर दो तो आपको ये याद हो जाएगा, डेरिवेशन तो इसकी अलग है, डेरिवेशन तो अलग होगी इसकी, इससे थोड़ी डिराइव होता है, इसकी डेरिवेशन तो अलग होती है, ठीक है ना, सिंबल रख रहे हैं, सिंबल वैल्यू नहीं रख रहे, समझ में आया नहीं अर्षित? ये सर आ गया, हाँ सिंबल रख रहे हैं, उससे कंफ्यूज मत हो, वैल्यू नहीं रख रहे हैं उसकी, फॉर्मूला नहीं रख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर क्या निकाला? ओमेगा निकाला, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो? रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर, एक सेकेंड सही आएगा 18, मतलब जो मैंने निकाला था, हाँ बोलो आर रेडियस कितना है? 0.20, हाँ बताओ कितना कैलकुलेट करा, रेडियल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बताओ? 16.2, ठीक है, तो अब आपके पास देखो टोटल रेडियल एक्सेलरेशन आएगा 28.2, कितना आ रहा है? 20.2 आ रहा है क्या? 28.2, देखना इसमें 28 आएगा, 16.2 प्लस 12, हाँ तैयार रखो ना, रेडियल कितना है आपका? 16.2, तो 16.2 का स्क्वायर करना प्लस 20.16 आ रहा है सर, एक सेकंड है ना मैं वैल्यू रख दूँ, और टेंजेंशियल कितना आ रहा है? 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में,
ये सॉल्व करा किसी ने, मतलब देख लो। यस सर, 20.16। हाँ 20.16 कुछ आएगा, और मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया ये भाई, बताओ। यानी यानी आपको फिर आप ये जब सॉल्यूशन में दे दूंगा आप इनके प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? सॉल्यूशन जब मैं दे दूंगा तो आप इनके प्रैक्टिस भी कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा लेक्चर दोबारा ले लूंगा, है ना? पूरा लेक्चर दोबारा ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मूले याद कर लेना। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा अपन ने, ये क्या सॉल्व करा अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट। अब अपन इसका करा दूंगा, अगर नहीं आए आपको तो दोबारा करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए आपको, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ो, पर अपना भी एफर्ट लगाओ, है ना? मैं तो कर दूंगा रिपीट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बी, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, और ध्यान से देखना। हाँ बेटा सर, मैं बताऊँ बी वाले का, इसका द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 0.25 सेकंड, ये कितना आ रहा है बताओ? 1.6 समथिंग। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन सर? 2 पाई एन से। 2 पाई एन नहीं सर, एन की वैल्यू तो देख लो, देखो इधर देखो। अरे इधर देखो, बता सर, 1 मिनट सर। अरे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर सॉल्व करना। देखो आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है बताओ, लाओ मैं पूछ रहा हूँ, बताते जाओ आप। तो जीरो दे रखी है, और यूनिट ध्यान रखना रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है? फिर आपको जो है अल्फा दे रखा है, अल्फा आपको दे रखा है 60 रेडियन अपॉन सेकंड, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? फिर आपको टाइम कितना दे रहा है ये इस क्वेश्चन में देखो, 2.67। हाँ आप देख लो एक मिनट, इधर देखो सही है क्या सर? नहीं सही नहीं है, नहीं इधर देखो मैं बता रहा हूँ, जो टाइम कितना दे रखा है आपको ये देखो, 0.25 सेकंड, ठीक है? समझ में आया भाई? यस सर। आपको अब ये कांस्टेंट है, तो आपको एक ऐसी, आपको एक ऐसी इक्वेशन लगानी है जिससे कि आपको 0.25 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर पोजीशन कितनी है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो निकालना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं सर? सेकंड वाली, सर द फर्स्ट वन, एस वाली लगाते हैं। तो लीनियर में तो क्या, लीनियर में क्या लिखते हैं अपन? लीनियर में लिखते हैं एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है? एंगुलर में क्या, रोटेशनल में क्या लिखोगे? एस की जगह थीटा लिखोगे, और यहाँ ओमेगा नॉट टी लिखोगे प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये थीटा आ जाएगा आपके पास, ओमेगा नॉट तो जीरो है, प्लस हाफ अल्फा कितना दे रखा है आपको 60, और टाइम कितना दे रखा है 0.25 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको सॉल्व करके एक बार थीटा बताओ कितना आएगा, बोलो थीटा बताना है आपको कितना आएगा। देखो ये नए टाइप के क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? और बिल्कुल एमआई से तो अलग टाइप के, एमआई तो अभी अपन कर ही नहीं रहे वैसे भी, है ना? बट इनको सीखना आप। सर 1.875। हाँ 1.875 आ रहा है, तो अपन राउंड फिगर में उसको 1.88 कर देते हैं राउंडिंग करके, ठीक है? तो ये आएगा 1.88। तो ये 1.88 किसमें आ रहा है आपके? क्या होता है क्या बेटा? सर एमआई, एमआई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ठीक है? तो देखो अब देखना ध्यान से और सीखने की कोशिश करना, और आप पहली बार कर रहे हो इन क्वेश्चंस में से, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो, है ना? देखो आराम से, काफी सारे क्वेश्चंस है मेरे पास। ये देखो आप, ये कितना आया आपके पास 1.88 रेडियन, आया कि नहीं आया? अब ये पूछ रहा है कि 1.88 रेडियन का जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं, ठीक है? तो आप देखो कि अगर 3.1 ये होगा क्या सर? कितना आ रहा है? 1.88 डिवाइड बाय 3.14। नहीं इधर देखो, आप मैं बता रहा हूँ, देखो 2π रेडियन, 2π रेडियन का जब डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होते हैं बताओ?
वन रेवोल्यूशन होता है, यानी 2π रेडियन मतलब एक चक्कर एंगुलर एक पूरा राउंड हो जाता है ना, तो 2π रेडियन जो रेवोल्यूशन 2π रेडियन का जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अरे एक सेकंड रुक जाओ मैं पूछूंगा, एक सेकंड रुको, 2π रेडियन का जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हो रहे हैं, 1 रेवोल्यूशन। अगर 1 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो कितने रेवोल्यूशन होंगे, 1/2π रेवोल्यूशन होंगे, ठीक है। और अगर 1.88 रेडियन जो अपना आ रहा है, 1.88 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो कितने रेवोल्यूशन होंगे, 1.2π × 1.88 होगा, नहीं होगा? यस सर। तो आप पाई की वैल्यू रख दो 3.14, 2.29। इसलिए तो कह रहा हूँ कि सुने करो पहले जब मैं बता रहा हूँ, तो आप बोल रहे हो दिक्कत, पहले इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो 0.299 आएगा, तो 0.299 को अपन राउंड फिगर में लिख देते हैं 0.3, तो ये इसका आंसर है 0.3 रेवोल्यूशन। तो ये ध्यान रखना, यहाँ इसके बाद इधर सॉल्व किया हुआ है, वैसे तो मैंने ये वाइट से सॉल्व करा है सारा। आपने कैसे करा? हाँ कैसे करा, इसने ध्यान से सुना करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ देखो इधर, ठीक है। बाकी एंजल समझ में आया? यस आ गया। हाँ तो देखो यहाँ, देखो आपको यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ मैं पूरा। तो आपसे इसने पूछा था कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 0.25 सेकंड है ना, तो आपको दो ओमेगा नॉट तो जीरो दे रखा है, अल्फा 60 दे रखा है और टाइम 0.25। तो सबसे पहले आपको इसकी निकालनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 0.25 सेकंड के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो 0.25 सेकंड के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे आप, सेकंड वाली। हाँ, तो ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो किसमें होती है, लीनियर मोशन में। अपन को किसमें लिखनी है, रोटेशनल में। तो s की जगह थीटा आएगा, u की जगह ओमेगा नॉट आएगा, t की जगह तो ये सब समझ में आ गया। आपने इधर 1.88 मल्टीप्लाई क्यों करा, मेरे को बस ये समझ में नहीं आया। तो ये 1.88 रेडियन आया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी के 0.25 सेकंड के बाद ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल या मास या पॉइंट दे रखा है आपको, ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें 1.88 रेडियन का। तो ये कह रहा है कि इसके रेवोल्यूशन कितने होंगे, तो रेवोल्यूशन के लिए क्या करना है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 360 डिग्री, यानी 2π का, ठीक है। तो 2π रेडियन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होते हैं, 1। समझ में आ रहा है इसमें? Yes, हाँ, तो 2π रेडियन में जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो 1 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे, 1/2π होंगे। तो 1.88 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे, 1/2π × 1.8। अच्छा सर वही ना, जैसे यूनिट लेंथ की वो लेंथ है, तो बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। मैं कोई नए फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल इन बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हो, और जो फॉर्मूले बताए हैं वो तो याद करने ही है आपको। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.3 रेवोल्यूशन आ रहा है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब अपन और क्वेश्चन कर रहे हैं, और है ना, वैसे तो अभी तो टाइम है अपने पास, और अगर नहीं भी होता है तो फिर एक, यानी ये क्वेश्चन करने आ जाओ। आज मत कराइए, तबीयत भी खराब है सर। एक क्वेश्चन तो करो, मैंने सिखाया इसलिए। एक तो करो, ये वाला करो, ये हो गया, समझ में आ गए दोनों, दो ही क्वेश्चन करें, ठीक है। अब ये वाला करो, लो इसको देखो, इसमें दे रखा है आर्टिस्ट, तो आपने क्या कराया था, बस फॉर्मूले बताए थे और कुछ नहीं, यही फॉर्मूले बताए थे जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना। लो इसको करो, एक क्वेश्चन करो, तो आपके लिए तो करा रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाएंगे फॉर्मूले सारे, और क्या है। ठीक है, तो इसमें डेटा लिख लेते हैं कि आपको एक डिस्क दी हुई है,
डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. तो देखो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, तो ये अल्फा हो गया आपका जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट है, और ये आपको दे रखा है पाई बाय टू रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आप करिए प्लीज. नहीं मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, मुझे मैं भी तो देख लू ना क्वेश्चन एक बार, मैं ओनली डेटा लिख रहा हूँ. तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है और साथ साथ में इसने क्या रखा है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो जब भी ये ऐसी बात बोल दे तो समझ लेना कहीं ना कहीं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगने वाले हैं. ठीक है, सर इसका फर्स्ट का आंसर 2π आ रहा है क्या? हाँ फर्स्ट का आंसर 2π आ रहा है, सही है. देखो बस हो रहा है और क्या, कर दो फिर अब मैं क्या बताऊं, कर ही दिया आपने, बी भी कर दो, बी भी कर दो. करो भाई, एंजल ने आंसर दे ही दिया, फर्स्ट वाला तो आंसर आ ही गया एंजल का. सर सेकंड का आंसर 4π आ रहा है क्या? हाँ यूनिट भी बोलो बेटा पीछे की है ना सर, 4π रेडियन. हाँ अब ऐसा करो इसमें मुझे ये बताओ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे 4 सेकंड में, नंबर ऑफ टर्न्स भी बता दो. अभी सॉल्व करा था ना जैसे मैंने, वैसे ही अप्लाई करो. 2π आएगा क्या सर? फर्स्ट वाले का 2π आ रहा है और सेकंड का 4π. सर इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 होंगे ना? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 आएंगे, बिल्कुल करेक्ट है. वाह यस हो तो गया, देखो वेरी गुड. फर्स्ट वाले का तो 2π आ गया सर, वो तो मेरा भी आ गया सर. सेकंड वाले का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सर वो लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ सर. हाँ तो उसको कन्वर्ट कर लेना पहले रोटेशनल में, उसको नहीं लगा देना. यस सर. हाँ तो फर्स्ट तो आपने कर ही दिया, वेरी गुड. तो आ गया ना देखो सॉल्व करना बस. यस सर. ये तो इजी था. इजी था क्योंकि दो क्वेश्चन में मेहनत करी है मैंने इतनी देर तक बताते बताते. हाँ सुबह 5 बजे उठ के गया था मैं, आज झालावाड़ आया था सुबह 5 बजे उठा था, फिर बस स्टैंड गया, फिर और अभी वापस आया. सर आप ट्रैवल करते रहते हो? हाँ अभी छुट्टी जैसे कल ऑफ, कल मुझे काम था ना घर पे यहाँ पे इसलिए आया था. घर भी देखना पड़ता है ना इधर जरा. सुनो सर तो ट्रेन आती होगी? ट्रेन व्रेन अभी बंद है ना, बाकी बस सही रहती है, ट्रेन तो अपना टाइम सेट नहीं होता ना के साथ. वैसे तो वहीं आएंगे अखिल सर आ जाएंगे ना, अभी अखिल सर नहीं है तो मेरे को अकेले वहाँ पे थोड़ा ऐसा ही लगता है. अखिल सर आ जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा आया नहीं आया आंसर फर्स्ट का तो 2π रेडियन अपॉन सेकंड आ गया, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का 4π रेडियन आ गया, और नंबर ऑफ टर्न्स निकालने भी आ गए आपको 2 आ गए. चिन्ह में आया कि नहीं आया सर? एक बार सेकंड वाला कर दीजिए. हाँ, आप एक बार नंबर ऑफ टर्न्स वाला बता दो. हाँ नंबर ऑफ टर्न्स वाला ही बता देते हैं. देखो तो यहाँ पर अपन को इसमें तो ओमेगा, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका ए पार्ट ओमेगा निकालना है. तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्या दे रखा है ये उससे स्टार्ट हो रही है रेस से, जीरो कर दो प्लस अल्फा कितना हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा है ना, यू प्लस ए टी टी टाइम कितना देर का 4 सेकंड तो 4 कर दो तो 2 2 4 कर दो यहाँ पे तो ये कितना आ गया आपके पास 2π. यूनिट जरूर बोल बोल के आप करते रहना ताकि इनको भी याद हो जाए. तो ये हो गया आपका सेकंड वाले में अपन लगा रहे हैं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है उसने. तो s की जगह आ जाएगा थीटा और ये ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा. तो थीटा इजिकल टू ओमेगा नॉट तो 0 ही है तो 0t प्लस हाफ अल्फा पाई बाई 2 है पाई बाई 2 और t कितना है आपका 4 तो 4 का स्क्वायर. ठीक है तो यहाँ से ये 2 2 4 हो जाएगा तो एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4π रेडियन आ जाएगा. ठीक है तो ये आ गया. अब देखो 2π रेडियन यानी एक सर्कल 2π रेडियन जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके लिए रेवोल्यूशन कितने हो रहे हैं 1 रेवोल्यूशन. ठीक है तो 1 रेडियन डिस्प्लेसमेंट के रेवोल्यूशन होंगे 1 अपॉन 2π रेवोल्यूशन होंगे. ठीक है
तो इसी तरह से 4 पाई रेडियन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई सर इसका आंसर आएगा 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई इनटू 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा 2 टू 4 हो जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 2 रेवोल्यूशन जब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है आप सीधे लिख लेना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू वैल्यू को पाई से डिवाइड कर देना हाँ 4 पाई रेडियंस हाँ क्या 4 पाई रेडियन ही तो आएगा ये सर क्यों आया अरे इसको सॉल्व करो ना क्या चीज सी वाले यहाँ 4 पाई क्यों लिखा yes, अरे तो एंगल ये डिस्प्लेसमेंट है ना आपकी अगर कोई एक सर्कल चलता है अगर ये यहाँ से एक सर्कल चला पूरा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो कवर कर रहा है तो ये पूरा एंगल जो कवर कर रहा है इसने वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है तो 2 पाई रेडियन की जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो उसमें 1 रेवोल्यूशन हो गया ना वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया ना तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखा जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए आगे समझ में ठीक है मैं आपको बिल्कुल एलिमेंट्री तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि इससे इजी कोई मेथड नहीं है सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ आपको आगे आप समझ में आया ये सर आ गया समझ और करना है कि क्वेश्चन दूं क्या नहीं सर मैंने क्वेश्चन बनाए थे आप लोगों के लिए ये रहे थे कोई सर प्लीज कर ये सर एक करा दो सर करा सर करेंगे एक और ये वाला देखो इसमें ऐसे डरना मत बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है बट आप डेटा लिखते जाना उसका तो हो जाएगा सॉल्व ठीक है इसमें भी वही एक्सेलरेशन निकालना और कुछ नहीं करना सर ये क्या है सर कुछ समझ भी नहीं आया इसमें देखो ना रीड करो देखो क्या देखा आवर टर्न टेबल रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखी है आपको अल्फा अल्फा इज इक्वल टू दे रखा आपको 2 रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ गया तो समझ जाना कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही होगी कहीं ना कहीं अब आउट ऑफ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी ऐसे कोई टर्न टेबल होगी ये ऐसे कोई टर्न टेबल है ये कोई एक्सिस पास हो रही है इसके सेंटर से इस तरह से अब ये जो एक्सिस पास हो रही है इसके सेंटर से पास हो रही है और इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है ये बताया हुआ है अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एक कॉइन रखा हुआ है यहाँ पर एक कॉइन रख दिया मैंने ये रख दिया कॉइन ठीक है और ये जो कॉइन है ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है ये कॉइन यहाँ से डिस्टेंस पर है 1 मीटर पर यानी कि आपको आर दे रखा है आर मिल जाएगा आपको आर कितना दे रखा है 1 मीटर ठीक है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन द कॉइन इज ऑलवेज एट रेस्ट रिलेटिव टू द टर्न टेबल ठीक है द कॉइन इज ऑलवेज रेस्ट रिलेटिव टू द टर्न टेबल इफ एट टी इज इक्वल टू जीरो द टर्न टेबल वाज एट रेस्ट तो एट टी इज इक्वल टू जीरो तो t इज इक्वल टू जीरो पे टर्न टेबल रेस्ट में तो ओमेगा नॉट कितना होगा बताओ सर जीरो होगा जीरो ही होगा तो ये जीरो रेडियन अपॉन सेकंड आ गया ठीक है देन फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन आफ्टर 1 सेकंड तो आपको अगला ये t1 मान लो 0 सेकंड है तो t2 आपको कितना दिया हुआ है 1 सेकंड ठीक है और आपसे पूछा है टोटल एक्सेलरेशन तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा आपको अल्फा आर तो पहले ए टी निकाल लेना ठीक है और इसके बाद आगे सर इसमें कहा है ना कि द कॉइन इज ऑलवेज एट रेस्ट रिलेटिव टू द टर्न टेबल टर्न टेबल में उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा यानी ऐसा नहीं है मान लो आपने कोई कॉइन रख दिया और अगर ज्यादा तेज घूमी टर्न टेबल तो वो कॉइन भी फिर मोशन करने लगेगा रिलेटिव टू टेबल भी करेगा पर अगर कोई ग्राउंड पर खड़ा है पर्सन यहाँ पर जो ग्राउंड पे पर्सन खड़ा है तो उसके लिए तो क्या है उसके लिए तो मोशन होगा ना टेबल का भी मोशन होगा और इसका भी मोशन होगा ठीक है चलो देखो इधर तो यहाँ से तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर होता है नहीं होता ओमेगा कैसे निकालेंगे बताओ मुझे
तो आपको सर ये डिटेल से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं इसमें? v = u + at. हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा देना आपको. ओमेगा नॉट तो जीरो है, अल्फा आपको टू दिया हुआ है, टाइम दे रखा है, टाइम वन दिया हुआ है, वन दे रखा है. तो यहाँ पर कितना जगह? टू रेडियन अपॉन टू मीटर पर टू रेडियन अपॉन सेकेंड. तो ये आपका ओमेगा आ गया. तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के ए आर निकाल लेना. ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. एक सेकेंड में लेता हूँ ना. और फिर फाइनल करेक्ट आंसर यही आ रहा है. यस सर आया सॉल्व करना? ठीक है. अब देखो अभी अपन जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस करेंगे, है ना. ये तो आपके प्रैक्टिस के लिए थे, ये क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको. पर अब नेक्स्ट क्लास लूंगा ना मैं कल, तो कल भी थोड़ी सी लंबी क्लास लूंगा. और कल हम इसका एक लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, जो जनरली फाउंडेशन में वैसे होता नहीं है, जो आपने कहा था स्लिप वाला. ठीक है? यस सर. तो वैसे वो जेई मेन का टॉपिक है, पर अपन कर लेंगे क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आएगी, आप लोग सीख जाओगे उसको भी. ठीक है? तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की. ठीक है? ये मैं अभी भेज देता हूँ आपको, है ना. और ये बच्चे सेंड कर दीजिए आप सर. हाँ, फोटोज तो मत सेंड करो, लेक्चर सेंड कर दो बस. ये लेक्चर तो सारे अवेलेबल है अभी तक के, सब डाल दिए मैंने. ओके सर. और सर एक वो मैंने बोला था ना फोर्स के नोट्स थोड़े से, वो मैं देख लूंगा. बाकी लेक्चर अपने ये जो क्लास चल रही है, अपनी जो क्लास चल रही है उसके सारे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे. सारे वीडियो डाल दिए मैंने, सारे वीडियो. ठीक है? तो एक बार वो यूट्यूब पे जाओ, उसको देख, अगर आपको देखना है वहां से देखो. अभी लास्ट टाइम भी जो मैंने फॉर्मुलेस बताए थे वो वाले वीडियो भी डले हुए हैं सारे. ठीक है? तो आप वहां से देख लेना. सर मैं वर्क एनर्जी के नोट्स बना रहा था, तो आप आपके पास मतलब पोटेंशियल एनर्जी का इलास्टिक एनर्जी के नोट्स है सर, उसमें ही प्रॉब्लम है.